भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 8वें परमवीर चक्र प्राप्त सूबेदार जोगिंदर सिंह सहनान के बारे में। इनका जन्म 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा में हुआ था। सूबेदार जोगिंदर सिंह जी 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में शामिल हुए थे। इस युद्ध में चीन के साथ लड़ने वाले जिन 4 पराक्रमी सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, उसमें से एक जोगिंदर सिंह जी भी थे। दोस्तों, बात है 20 अक्टूबर 1962 की, जब चीनी सेना तवांग की ओर बढ़ रही थी। तब उनकी डिवीजन फौज के आगे भारत की केवल एक सिख कंपनी थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे सूबेदार जोगिंदर सिंह जी। दोस्तों, भारत की तुलना में चीनी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी सूबेदार जोगिंदर सिंह जी और उनके साथ ही इस मुठभेड़ में भी बिना हिम्मत हारे पूरे जोश के साथ जूझते रहे और आगे बढ़ती चीन की फौजों को चुनौती देते रहे। दुश्मनों को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद आखिर जोगिंदर सिंह जी और उनके बचे हुए सैनिक दुश्मन के कब्जे में आ गए थे। दोस्तों, भले ही वो मोर्चा भारत जीत नहीं पाया हो, लेकिन भारतीय वीरों का पराक्रम देखकर दुश्मन भी हैरान थे। दुश्मन की गिरफ्त में आने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला। चीनी फौजों ने ना तो उनका शव भारत को सौंपा और ना ही उनकी कोई खबर दी। लेकिन दोस्तों, उनकी बहादुरी और मातृभूमि के लिए शहादत भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। हम टीम मिक्स्ड माइंड्स की ओर से ऐसे वीर भारतीय सैनिकों को नमन करते हैं।